इसमें लाइर रही तो वी वर डूइंग एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम बात कर रहे थे बाइसिस की बाइसिस वाज एन एरिया ऑफ बिहेवियर फाइनेंस जिसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कुड हैव इंपैक्ट ऑन आर डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट के जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है और हमें एक रैशनल इन्वेस्टिंग से डेविएट कर जाती है वी अबाउट रिप्रेजेंटेटिवनेस देन व्हाट आर द दर्स विल कंटिन्यू विद दैट

कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ गुड आपने एक वैल्यू की आप उनके तीन साल का आपने एनअल रिटर्न देखी हर साल की सेल्स प्रॉफिट्स देखी उसकी बेस पे आपने एक माइंड बना लिया है कंक्लूड कर लिया अब अगर तो वो इन्फॉर्मेशन अगली जो मिलेगी वो उसको सपोर्ट करेगी तो फिर तो आप उसको लेके चलेंगे लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई लैट से उनके क्वार्टरली रिटर्न्स आए रिजल्ट्स आए हाफ़ ईयरली आए जो कि आप कुछ और डिपेक्ट कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन में फॉल देख रहे हैं आप लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो वैसे ही है जो वो पहले मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है वो ठीक है और ये कंटिन्यू रहेगा जो आपने नई इन्फॉर्मेशन को वेट देना था वो नहीं दिया दैट इज़ रेफर टू एज एंकरिंग कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक जर्नली ये काम करना था और आप पांच लोगों से या चार लोगों से आपने मशवरा किया तो दो ने उसकी फेवर में बात की दो ने उसके अगेंस्ट चार से मशवरा लिया तो आपने पॉजिटिव व्यू था आपका तो आपने जो फेवर वाले हैं उनको तो वेट दे दिया जो नॉन फेवर वाले थे उनको वेट नहीं दिया तो दिस इज रेफर टू एज एंकरिंग के यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग थॉट बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन तो आप एंकर्ड हो जाते हैं टू योर प्रीवियस बेसिक पहले वो ठीक था लेकिन अब नई इन्फॉर्मेशन कुड भी कॉन्ट्राडिक्टिंग लेकिन वो आपने उसको उतना व्यू वेट नहीं दिया दैट इज़ अ बाइज वेरी फ्रीक्वेंटली सीन then we have ambiguity aversion ambiguity aversion is a tendency to prefer to familiar to unfamiliar or known to unknown avoiding ambiguity can lead to discontinuing opportunity with greater uncertainty in favor of sure thing iski main example aapko ye deta hu ki jaise aap log एक बंदा है वो क्या करता है उसने oil and gas company में invest करता आ रहा है कुछ सालों से या उसका एक अच्छा उसमें रिटर्न रहा है बट न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज आर ग्रोइंग यू नो टेक्नोलॉजी इज़ द स्पेल और आपको उसमें जाना चाहिए लेकिन आप कहते हैं मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है या मैंने इसमें अभी काम नहीं किया तो आई विल नॉट टेक इट इन ऑन बोर्ड हम एक तो है एक्सपर्टीज ना होना दैट सेपरेट थिंग बट जस्ट यू आर नॉट फेमिलियर विद इट आप उसमें नहीं जा रहे दैट इज रेफर टू एज अ बाइस कि मैं जी आई एम मोर फेमिलियर विद ओ जी डी सी आई विल इन्वेस्ट विद डेट आई विल नॉट इन्वेस्ट विद टी आर जी आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अदर टेक्नोलॉजी कंपनी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर आई डोंट नो इट तो इससे फिर क्या करते हैं आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे होते हैं तो डैट्स अगेन अ बाइस कि जिसके जिसके बारे में आपको पता है और आपने सुना हुआ है आप उसको वेट दे देते हैं जो अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं दैट शुड बी टेकन ऑन मैरिट तो दैट्स नॉट कि आपको फेवरेटिज्म वाला एलिमेंट नहीं करना चाहिए हाँ उसकी गुडविल एलिमेंट जो है वो अच्छा है वो उसको आप वेट दें वो अपनी वैल्यूएशन में भी लाएं बट जस्ट यू डोंट नो इट दैट डज नॉट एक्सक्लूड सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर पूल सो दैट्स अ बाइस वी हैव नॉर्मली सीन फ्रेमिंग फ्रेमिंग रेफर्स टू द वे यू सी ऑल्टरनेटिवस एंड डिफाइन द कॉन्टेक्स इन विच यू आर मेकिंग अ डिसीजन अ कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू फ्रेमिंग इज़ मेंटल अकाउंटिंग द वे इंडिविजुअल इनको डिस्क्राइब्स एंड असेस इकनॉमिक आउटकम वेन दे मेक अ फाइनेंशियल कि ये आपका एक माइंड फ्रेम है उस माइंड फ्रेम में आप जो चीज़ देख रहे हैं आप उस कॉन्टेक्स में जाते हैं तो बाकी चीज़ों को उसमें इतना इन्फ्लुंस जो एक्चुअल हैं जिनका उन पर इम्पैक्ट आ सकता था उनको आप बाईपास कर जाते हैं इग्नोर कर जाते हैं तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग रैशनल से इ हो जाती है दिस इज़ ऑल्सो अ फिनमिना कॉमनली सीन के पीपल स्टे इन देयर नैरो फ्रेम दे डोंट सी द बिगर पिक्चर तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वी वाइड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर टू मेक अ मोर रैशनल डिसीजन सो नैरो फ्रेम्स में डिसीजन नहीं होनी चाहिए लेकिन ये फ्रीक्वेंटली चीज देखी जाती है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेमिंग एरर इंक्लूड्स लॉस ए ये एक बहुत बड़ा हमारा फैक्टर है करेक्टरिस्टिक्स है देखा गया है कि आपने एक शेयर खरीदा और आपको अच्छा लगा आपने उसमें बाय इन्वेस्ट कर दिया बट लेटर ऑन इट वॉज लिटल लूजिंग आपने हंड्रेड का एक शेयर लिया और वो नाइन्टी का हो गया जब आपने उसको एनालाइज़ किया तो आपको आइडिया हुआ कि ये वाकई इसकी इतनी वर्थ नहीं है लेकिन वो आप अगर इसको नाइन्टी का बेचते हैं तो इसका मतलब है आपने लॉस इनकर कर लिया अभी तो वो हम कहेंगे ना हमने हंड्रेड का लिया नाइन्टी आया इट कैन गो अप डाउन मूवमेंट उसमें हो सकती है इट्स अन रियलाइज लॉस बट वन रियलाइजिंग इट दैट मीन लॉकिंग इट लेकिन अगर वो उसका पोटेंशल नहीं है इट इज़ ड्यू टू फॉल तो वी शुड सेल इट एंड बुक द लॉस लेकिन लोग माइंड फ्रेम में रहते हैं कि नहीं जी हमने लॉस नहीं बुक करना तो वो नाइन्टी से फर्दर डाउन होकर इवन एटी पे सेवेंटी फाइव पर आ गया यू कुड है सेव्ड एन अदर फिफ्टीन और टेन लॉस बाई एग्जिटिंग एट दैट पॉइंट लेकिन लॉस वर्जन की वजह से कि मैंने जी लॉस बुक नहीं करना वो आपका लॉस अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी तरह चॉइस एग्रीगेशन कि आप नेरोज इसमें रहते हैं वाइड स्प्रेड में नहीं जाते स्पेसिफिक्स में अपने वालों में ही रहते हैं तो ये आपके माइंड फ्रेम के जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते एक्चुअली बिहेवियर फाइनेंस इज़ इन इट सेल्फ अज सब्जेक्ट तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गुड फ्लेवर आउट ऑफ इट एंड वी रिक्वेस्ट यू टू डू मोर रिसर्च ऑन इट आपने जो अपनी रिसर्च का काम करना है उसमें बिहेवियर फाइनेंस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इसमें बहुत आपको रिसर्च पोटेंशियल बहुत है लोगों की साइकी समझने में इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इम्पैक्ट के लिए दैट्स आर गुड मीट फॉर यू टू वर्क ऑन इन्वेस्टर प्रोफाइल्स इन्वेस्टर प्रोफाइल एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्ट्रिस्टिक्स बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेड्स लाइफ स्टेजेस सोर्स ऑफ वेल्थ एंड अदर फैक्टर्स कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं जो अगर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर हाउस को अप्रोच करें तो वो आपकी इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग करते हैं बिफोर दे मेक डिसीजन सपोज सिमिलरली अगर आपने खुद भी इन्वेस्ट करना है सो यू नीड टू नो वट आर योर पोजिशनिंग सो दैट यू कैन बी अ बेटर इन्वेस्टर यू कैन मेक गुड डिसीजन अब आप एक कुछ जर्नल रूल्स होते हैं कुछ डेफिनेटली यूनिक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं सो वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड एंड वट करेक्ट्रिस्टिक्स वी हैव सो वी कैन मेक मोर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसनिंग फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक एलिमेंट है स्टेज ऑफ लाइफ हैव एन एफ ऑन गोल्स व्यूज एंड डिसन इन द अभी हम इसको एक टेबल में भी देखेंगे कि आप किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं अगर आप अपनी एज ग्रुप को ही देख लेंगे तो पता लग जाएगा या आप जर्नली भी हम बात करें आप लोग लट से ट्वेंटीज से थर्टीज थर्टीज फोर्टीज की बेल्ट में हैं तो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव विल बी डिफरेंट एक बंदा अगर 60 में है तो उसके गोल्स डिफरेंट होंगे तो उनको अपनी सिचुएशन पोजीशनिंग का पता होना चाहिए सो दैट दे कैन मेक मोर रिस्पेक्टिव एंड रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट जी ये टेबल हमें देख रहे हैं इट्स नॉट एग्जॉस्टिव कि ये सबके लिए अप्लाई होगा एक्सेप्शन कैन बी देयर बट दिस इज जनरली अप्लाइंग टू द सिचुएशन स्टार्टिंग में जो एज ब्रैकेट है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी ये वो लोग हैं जो अभी जिन्होंने जॉब शुरू की हैं अर्निंग लेवल्स में आए हैं इनके कुछ डेट्स होंगे तो इनके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या होंगे कि अपने डेट्स को एलिमिनेट करें कुछ सेविंग करें फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी ने गाड़ी लेनी है कोई घर अपग्रेड करना है और अपने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए कुछ सेव आउट करें वंस यू रीच फोर्टी एंड देन यू मूव ऑन नाउ दैट इज़ एन एक्यूमिलेटिंग स्टेज कि ये एक आप मच्योरिटी लेवल पर आ चुके होते हैं यहाँ पर आपकी अर्निंग लेवल्स बिल्डअप हो चुकी होती हैं तो नाव यू मे हैव मोर डेट्स इवन मोर एसिट्स दैन यू हैव टू डू दैट तो अब अगर आप इससे ही रिस्क एलिमेंट्स भी आते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं वेयर यू शुड इन्वेस्ट टू और नीड्स क्या होंगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो ये सारे इस पैरामीटर में यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं तो फोर्टी सिक्सटी में डाइवर्सिफाइंग एंड बिल्डिंग इक्विटी के आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है अपने इन्वेस्टमेंट पूल बिल्ड करना है सेविंग करनी है स्टेट प्लानिंग करनी है यहाँ पे लोग शेयर ले रहे होते हैं कुछ इन रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जब आप 60 से 5 से 80 की ब्रैकेट में आ रहे हैं तो अब आप इट्स मोर लाइकली यू आर आर रिटायर्ड पर्सन तो अब आपका मकसद कोई अक्यूमलेसन या कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यहाँ पर आपका होता है कि जी हमारी चीज़ें मेंटेन रहें जो हमारा लाइफ है वो चलता रहे तो यहाँ पर आप बहुत एग्रेसिव रिस्क मूवस में नहीं लेंगे बट मेंटेनेंस तो यहाँ वाले लोग शायद बहुत ज़्यादा स्टॉक ना लें यहाँ वाले लोग डेट इन्वेस्टमेंट्स पे जाएं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में जाएं और वो कहीं जो हमारे पास अभी है उसको प्रिजर्व कर लें ताकि हमारे सर्वाइवल तक वो यूटिलाइज हो तो इफ़ यू आर 80 देन यू नो कि जी हम एक लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर स्टेट प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के मेरे जो आगे फैमिलीज़ को फंड्स ट्रांसफ़र होने हैं एसेट्स ट्रांसफ़र होने हैं उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स ना लगे कंफर्टेबल मूवमेंट हो जाए विल लिखना और टैक्स रिड्यूस करना प्लानिंग की स्टेज आ रही तो so, ये एक एलिमेंट है इसी तरह किस को पैसे कहाँ से आए हैं वो उसकी अर्निंग्स क्या हैं वो जॉब कर रहा है बिजनेस कर रहा है ये सारे फैक्टर्स मिलके इनको कहते हैं इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग सो दैट प्लेज अ रोल तो व्हाट द मेन करैक्स इज वट मेक्स यू मेक डिसीजन दैट यू मेक कि आपने किसी बेस पे डिसीजन करनी है वट आर द फैक्टर्स यू शुड नो द मोर अवेयर यू आर ऑफ़ द इन्फ्लुएंस ऑन योर डिसीजन द मोर यू कैन फैक्टर इन और आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं हमें कौन कौन से फैक्टर्स को इनकॉपरेट करना है किस किस बायस से हमने बचना है हम किस सिचुएशन में है अगर एक जो तीस साल वाला बंदा है उसको वो अगर बॉन्ड ख़रीदने बैठ जाता है फिक्स इनकम तो वो इतनी रिकमेंडेड नहीं है उसकी आगे एक अच्छी लंबी लाइफ चलनी है उसने आगे इनकम्स लेवल्स बढ़ने हैं तो वहाँ पे तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकता है ही शुड इन्वेस्ट इन मोर इक्विटीज़ लेकिन एक सेवेंटी ईयर्स पर्सन है तो उसको बेचारे के पास उस और कोई इनकम नहीं है जॉब नहीं है उसने सिर्फ पोर्टफोलियो से ही कमाना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता तो ये फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं और बाइसिस से बचना है टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द बिहेवियर फाइनेंस के हमें ये बता रही है कि ये ये नॉर्मल बाइसिस देखेंगे और ये बाइसिस भी कंप्लीट नहीं है इट्स अ लॉन्ग लिस्ट बट दीज आर द की वंस दैट इम्पैक्ट आपको एक मेजर मैं बता दूँ और जो ये माइंड्स में हमें बहुत इम्पैक्ट करता है जो जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स लूज भी करते हैं वो एक आता है ग्रीड और एक आता है फियर ग्रीड में जब आप कोई अच्छा गेन भी आ रहा है आप और लालच में आ जाते हैं एंड यू डोंट मेक अ डिसीजन एंड दैट कैन देन इम्पैक्ट यू अलॉट ये क्रिप्टोज में ये बहुत चीज़ देखी गई है कि लोग कहते हैं नहीं जी इसने और भी बढ़ना है अच्छा गेन भी हो रहा होता है देन दे डोंट एग्जिट सिमिलरली फियर के पता नहीं क्या होगा उसमें कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते तो बोथ आर वेरी डैमेजिंग टू एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सो मेक श्योर वी Learn about behavior finance and make more rational decisions. Thank you.